स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेली एक्सप्रेस में, जहां आपको मिलती है स्टार प्लस सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कंट्रोवर्सी। सबसे पहले दोस्तों सामने आ चुके हैं रूही, अभीरा और अरमान, आमने सामने खड़े हैं ये लोग। एक तरफ घर की बड़ी बहू अभीरा खड़ी है तो दूसरी तरफ घर की छोटी बहू रूही खड़ी है। रूही जिसे पूरा का पूरा पोतदार खानदान प्यार करता है, तो वहीं अभीरा जो पूरे के पूरे परिवार की आंखों में चुभती है। लेकिन ऐसे में अरमान की बीवी और उसकी जिम्मेदारी तो अभीरा ही है। दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ पर रूही का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँचने वाला है। रूही की जलन हर हद को पार करने वाली है। जब देखेगी रूही की अभीरा अरमान के साथ खड़ी है तो रूही को जलन होगी। अकेले में ये लोग आपस में बहुत बुरे तरीके से लड़ने लगेंगे। अभीरा रूही को समझाने की कोशिश करेगी कि जो कुछ भी हुआ वो मजबूरी में हुआ, लेकिन रूही को कुछ भी समझ नहीं आएगा। रूही को सिर्फ इतना पता है कि अरमान सिर्फ और सिर्फ उसका है और उसने उसके छोटे भाई रोहित से इसलिए शादी की क्योंकि अरमान ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। अरमान अब उसको उस नजर से देखता ही नहीं है। धीरे धीरे अभीरा के करीब आने लगेगा अरमान। अभीरा और अरमान एक साथ खुश होंगे, हंसेंगे तो रूही के दिल में जलन उठेगी और बन जाएगी रूही एक बहुत बड़ी विलन। ऐसे में दोस्तों अभीरा को बहुत ही बुरे तरीके से उसकी बेइज्जती करने लगेगी रूही, जिसके बाद अभीरा की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को अरमान नहीं देख पाएगा और वो गुस्से से लाल होकर देखेगा रूही को और वार्निंग देगा कि मेरी बीवी के बारे में आज के बाद कुछ भी मत कहना। तुमने जो कहना था, जो बोलना था तुम बोल चुकी हो। अब तुम इस घर की छोटी बहू हो और ये तुम्हारी बड़ी जेठानी है, तो इस हद और इस हैसियत से इस घर में रहो रूही। ये सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी में आने वाले इस नए ट्विस्ट के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें।